गुरुजी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक बहुत ही सहज मंत्र दे रहा हूँ, रावण तंत्र से, उद्धमेश्वर तंत्र, कश्मीरी तंत्र, उस समय का साबर जो संस्कृत में लिखाता था उसी भाषा में ये मंत्र है। इस मंत्र की ये खासियत है कि इसको आप सिद्ध करके और बिना सिद्ध करके दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बिना सिद्ध किए प्रयोग कर रहे हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए इसको प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिद्धि करके इसका प्रयोग करते हैं तो औरों का भी आप उतारा कर सकते हैं इस मंत्र से। ये मूल रूप से रावण का दिग्बंधन मंत्र है। जब रावण नाथ जी बड़ी साधनाएँ करते थे, जब शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, जैसे योनि साधना, उस समय इस दिग्बंधन मंत्र का प्रयोग किया जाता था। दिग्बंधन मंत्र का मतलब होता है कि वो मंत्र जिससे दशों दिशाएं बंद जाएं, और ये मंत्र बोलने मात्र से ही प्रभावी है। क्यों प्रभावी है बोलने मात्र से? क्योंकि ऐसे भी साबर जो है वो ईश्वरवाच्य होता है, और रावण के गुरु स्वयं महादेव शंभु थे, महादेव थे। रावण के पास जो भी मंत्र है वो ईश्वर वाच है। अगर आपको प्रयोग करना है इस मंत्र को तो आप कैसे करेंगे? जो मंत्र मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप अपने बाएं हाथ की हथेली को सामने रखेंगे और दाहिने हाथ की दो उंगलियाँ अंगूठे के बगल वाली उनको सामने निकालेंगे, सर के तरफ से 3 बार घुमाएंगे सर के ऊपर से, और उसके बाद 3 बार ताली बजाएंगे। ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी किया जाता है। एक और इसका तरीका होता है, जब ये 3 चुटकी आप मार लेते हैं तो दशो दिशा को जागृत भी करते हैं। तो दशो दिशा को जनरली मैंने देखा है लोग जो जागृत करते हैं वो सामने से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप 10 दिशा को जागृत कर रहे हैं, मतलब 8 दिशा पृथ्वी और आकाश, जब इसको आप जागृत करते हैं तो हमेशा शुरुआत जो है आपके ईस्ट डायरेक्शन से होगी। आप कहीं भी बैठें आपके ईस्ट से आप चुटकी बजाएंगे, ईस्ट, उसके बाद साउथ, ईस्ट, फिर साउथ, इस तरीके से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चुटकियां बजाएंगे। तो ये विधान है। जिनको सिद्ध करना हो वो मुझसे अलग से पूछे, सिद्धि का विधि मैं बताऊंगा जो पहले से साधक होंगे, क्योंकि इसकी सिद्धि इतनी आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल है। मंत्र सुनिए, मंत्र मैं 3 बार बोलूँगा, आप लोग लिख लें। वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंध बंध हुम फट स्वाहा। वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंध बंध हुम फट स्वाहा। बड़ा सरल सा मंत्र है। अभी रावण तंत्र अगर आप देखेंगे तो रावण तंत्र जो किताब आपको मिलता है उसमें जो पिछले 1000 साल बीते उसमें जो भाषाओं का प्रयोग है उस भाषा में साबर मंत्र मिलता है, जो कि असंभव है। रावण के समय में इन भाषाओं का प्रचलन नहीं था। तो जो मूल किताब है उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, एक छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए मंत्र दिया हुआ है, और बहुत ही सहज प्रयोग है। अगर आप सिद्धि नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल प्रयोग बहुत आसान है, उसी में से ये एक मंत्र है। एक बार और इस मंत्र को बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लें। वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंध बंध हुम फट स्वाहा। इसको आप लोग जाप कर ले। जिनको सिद्ध करना है इसको, वो अभी जो नवरात्र आने वाली है चैती नवरात्र, उससे पहले मुझसे संपर्क करेंगे। इसका एक ग्रुप बनाऊंगा मैं रावण तंत्र का, तो अलग अलग विद्याओं का, जैसे वशीकरण है, स्तंभन है,
शत्रु से जो परेशान हैं उनके लिए एक मंत्र। शत्रुनाश का जनरली मैं मंत्र नहीं देता हूँ, लेकिन इस बार नवरात्र में मैं एक शत्रुनाश का ग्रुप शुरू करूँगा, जिसमें कि शत्रुनाश कैसे करना है उसके लिए एक मंत्र दूंगा, एक आसुरी विद्या का मंत्र दूंगा। तो जिनको इस मंत्र को सुरक्षा के लिए सिद्ध करना है, 10 10 दिशा बंधन वाला, वो भी मुझसे संपर्क करें। इस बार नवरात्र में इसकी सिद्धि का विधि बताऊंगा, जो साधक हैं वही संपर्क करें, आम लोगों से ये सिद्ध नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, नंबर है 9431188585। जिनको बहुत अर्जेंट होगा वो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ऐसे मैसेज कॉल ना करें। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें रुद्रनाथ एट CM4 सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। कॉल मी फॉर ऐप आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आने वाले साधना शिविर की जानकारी अगले 2 से 3 दिन में दे दी जाएगी। मंथ एंड में साधना शिविर उज्जैन या शिवपुरी। आज के लिए इतना ही, रावण नाथ की कृपा से आप सभी सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।